दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय प्रियदर्शनी स्कूल पट्टी पालमपुर। कई दिनों के इंतजार के बाद पुस्तक प्रेमियों के लिए शनिवार का दिन सुकून लेकर आया। धर्मशाला पुलिस मैदान में विधिवत रूप से पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने पुस्तक मेले का आगाज किया। इस मौके पर डॉक्टर अग्निहोत्री ने कहा कि जिस घर में पुस्तक नहीं है वह घर शमशान के समान हो जाता है। पुस्तक ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने में सहायक होती है, लेकिन यह पीड़ादायक है कि किताब पढ़ने की रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही है। नॉर्थ इंडिया में पुस्तकों का प्रचलन कम हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हमले हुए, शायद लोग जान बचाने में लगे रहे, पुस्तक पढ़ने का समय नहीं लगा। लोगों के सालाना बजट में पुस्तकों को जगह नहीं रखी जाती, इसके लिए विशेष बजट का प्रबंधन होना चाहिए। पुरानी किताब देकर दो कप ले लेते हैं, हमारे यहाँ कप की कीमत किताब से ज्यादा है। उसमें पुस्तक पढ़ने की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती है। उस कारण शायद ये भी रहा होगा कि भाई बाकी हिंदुस्तान में हमला बर्बाद में पहुँचते थे, तो ये क्षेत्र तो सबसे पहले हमलों का शिकार होता था। पुस्तक पढ़ने का लिखने का ये सब परंपरा वहाँ विकसित होती जहाँ शांति हो, तो शांति जहाँ नहीं थी इसलिए किताबों का कल्चर खत्म हो गया था। अब धीरे धीरे ये प्रदेश जो सब सिंधु प्रदेश के लिए जो जितना हिस्सा हिंदुस्तान में कम से कम उसकी बात हम करें उसमें फिर से किताब लिखने की पढ़ने की परंपरा शुरू हुई है। सर ई बुक्स का जमाना है, लोग कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल पर भी किताबें पढ़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं सर कितना फर्क जो है वो पड़ा होगा किताबें पढ़ने में या पढ़ा या कम हुआ? देखिए जो प्रिंट का स्वरूप है चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे प्रिंट की किताब हो तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये ई बुक्स का या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किताब को पढ़ने का वो सप्लीमेंट्री तो हो सकती है। इस मौके पर एनवीटी के पूर्व अध्यक्ष बलदेव भाई शर्मा ने कहा कि ई बुक्स पुस्तकों का विकल्प नहीं है, ये पुस्तकों के सहयोगी हो सकती है। ई बुक्स में 12% कमी आई है। भारतीयों के मन में अभी भी छपी हुई पुस्तक है, किताब के प्रति भारत की सोच बहुत पवित्र है। इस मौके पर डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री की किताब भारत बौद्ध का संघर्ष का विमोचन किया गया। हम हैं पुलिस मैदान धर्मशाला में और यहाँ एक बड़ा मेला राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनवीटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब तक हमने इस मैदान में कई तरह के मेले देखे हैं, लेकिन दशकों के बाद यहाँ पर एक पुस्तक मेला लगा हुआ है जिसमें पुस्तक के मूल्यों को और पुस्तकों को लेकर सारी बातचीत चल रही है। यहाँ पर 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में जहाँ पुस्तकों के मूल्य के बारे में बताया जाएगा, वहीं पुस्तक का महत्व और हमारे जीवन में कितना बढ़ रहा है इस सारे विषय पर चर्चा होगी। यहाँ पर गोष्ठियाँ होंगी, यहाँ पर कवि लेखक साहित्यकार और रचनाकार भी इन विषय पर चर्चा करेंगे। स्कूलों के छात्र भी यहाँ पहुँचेंगे। 10 दिनों तक ये मेला यहाँ चलने वाला है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला। मैं नीतू दमीर कांगड़ा जिला से, आप सभी कांगड़ा वासियों को विनती करती हूँ कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और आपने अपना मत का जो हमारा मतदान होगा 19 मई को उसका बहुत सही तरीके से उपयोग करना है। हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी को द्वारा बनाने का पूरा हमारा जो वो अभियान चला है उसको आपने सफल बनाना है और सही मत का प्रयोग करना है। मेरी यही कांगड़ा जिला वासियों से विनती है और निवेदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर, जहां बच्चों को मिलेगा बेहतरीन कल, शानदार कैंपस, अनुभवी और गुणी अध्यापक, बेहतरीन क्लासरूम के साथ 25 साल का अटूट विश्वास। यहां से निकले छात्र सेना, स्वास्थ्य और निजी कंपनियों में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। 100% रिजल्ट और बोर्ड परीक्षाओं में हर बार मेरिट में स्थान। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए सुनहरे कल का सपना देख रहे हैं तो देर किस बात की, चले आइए प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी में। इसके अलावा SOS का प्रवेश भी आरम्भ हो गया है, तो आज ही पंजीकरण करवाएं। हमारा स्टडी सेंटर नंबर है 424 और सेंटर कोड है 2315।